हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनगरापी। कुवैत से सभी प्रवासी को लेकर एक इम्पोर्टेंट खबर है। सिविल आईडी और फ्लाइट एंट्री को लेकर कुवैत से पहली अपडेट। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर कुवैत में जो सिविल आईडी कार्ड सभी सिटीजन को नया साल को लेकर चेंजिंग आएगा। डोमेस्टिक वर्कर को जैसे पहले बताया गया था कि उनके सिविल आईडी में चिप लगेगा, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से हो सकता है सभी प्रवासी का सिविल आईडी कार्ड में चेंजिंग देखने को मिलेगा, जिसके अंदर चिप लगा हुआ होता है जिससे कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है। दूसरी खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना को लेकर बुरी खबर है। पुराना कोरोना का 240 मामला नया मामला सामने आया है। 26 तारीख से जो कुवैत एयरपोर्ट के लिए नया कानून बनाया गया था, 48 घंटा का पीसीआर टेस्ट और 72 आवर्स का क्वारंटाइन, कुवैत एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से 26 तारीख से 10,000 पैसेंजर का अराइवल और डिपार्चर हुआ है। काफ़ी कम हो गया है लोगों को आना और जाना। नया कानून को लेकर कुवैत में बढ़ते हुए कोरोना के कारण कुवैत एयरपोर्ट पर सख्ती हो गया है, इसलिए आदमी भी कम जा रहे हैं और कम आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।